हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवरी मंच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टेस्टी टेस्टी मूंग दाल का गर्मा गर्म हलवा, जो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है पर खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो फिर चलिए मैं इसे बनाना सिखाती हूँ। तो इसके लिए मैं ली हूँ 100 ग्राम मूंग का दाल, जिसे मैंने 2 से 2.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और इसका पानी निकाल लिया है। इसके लिए मैं ली हूँ 400 ग्राम दूध, 100 ग्राम चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, काजू और पिस्ता, जो भी आपको लगे वो कट करके रख ले, और केसर दूध मैंने भिगा के रखा है, गर्म दूध में केसर डाला है, और इलायची पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दाल को पीस कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है, ताकि जब हम हलवा बनाएंगे तो हलवा काफ़ी दानेदार टेस्टी बने। तो ये देखिए, मैंने पीस लिया है इसे और ये अभी तैयार है हलवा बनने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई गरम कर ली हूँ मैं और इसमें घी डालूँगी। 3 से 4 चम्मच घी ऐड करना है, इसमें घी ज़्यादा लगता है। अभी इसमें मैंने 2 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है, उसे 2 चम्मच मैंने सूजी लिया है और इसमें डाल के इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, पर ये डालने से हलवा का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बनता है और दानेदार भी लगता है। अभी ये भून के हो चुका था और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ मूंग का दाल, और इसे लो फ्लेम पे चलाते जाना है। फ्लेम हाई ना करें, चिपकता है ये काफ़ी स्टार्टिंग में। तो इसे नॉनस्टॉप हिलाते जाना है और इसे एकदम दानेदार होने तक भूनना है। ये दाल का जितना पानी था वो पूरा सुखा दिया है मैंने, और थोड़ा सा और घी ऐड कर दी हूँ मैं। अगर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा चिपक रहा है तो घी और ऐड करें, क्योंकि ये घी में जितना ज़्यादा घी में बनाएंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये, क्योंकि ये घी का ही चीज़ होता है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से सुखा लिया है पूरा भूनकर। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दूध। तो धीरे धीरे दूध डाल के इसको लो फ्लेम पे चलाते जाना है, इसको चिपकने बिल्कुल ना दे। और इसमें मैंने केसर वाला दूध ऐड किया है, जो अच्छा कलर लाने के लिए होता है, येलो कलर के लिए। अगर आपके पास केसर नहीं हो तो आप येलो कलर भी यूज कर सकते हैं। और दूध को मैंने पूरी तरह से सुखा लिया था और अभी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ चीनी। अगर जिस प्रमाण से मैं आपको बताई हूँ, अगर उस प्रमाण से आप बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। इसमें मैंने डाला है इलायची का पाउडर। और इसको आप देख रहे हैं कि मैं नॉनस्टॉप इसको हिलाते गई हूँ, और अभी ये बनके तैयार हो चुका है। और मैंने थोड़ा सा ऊपर से घी ऐड किया है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाला है मैंने इसको, और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये देखिए कि हलवा एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है, और इसे गर्म गर्म ही खाना होता है। तो अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, तो आप इसे अपने घर पे गर्मा गर्म बनाए और खाए, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो फिर आप ये हलवा अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये मूंग दाल के हलवा का रेसिपी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।